जब मैं और तुम्हारे अब्बू बात कर रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उरूज बोलने की? तो अम्मी, कोई तरीका होता है बात करने का? उसने हमें समझ क्या लिया है? देखो बेटा, जिस घर में बेटियां होती है ना, वहां पे रिश्तों का आना कोई अनोखी बात नहीं है। बिल्कुल कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो आया, जो तरीका उसने अख्तियार किया है, ये तो कोई निहायत ही अनोखी सी बात है। अरे भाई, कोई तो फैमिली में होगा, कोई एक फैमिली मेंबर किसी को लेकर आना चाहिए था। हो सकता है कि उसकी फैमिली में बेटा कोई हो ही ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। इस इंसान का प्रॉब्लम ही यही है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या मतलब है? तुम उसे पहले से जानती थी? अम्मी, इस तरह के लड़कों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसका जिक्र कर करके मेरा सर दर्द करना शुरू हो गया है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पियेंगी? तुम बैठो, मैं बनाती हूँ, और अपना गुस्सा खत्म करो। समझ आई? ये कौन सी नई बात है? रिश्ते तो आते ही रहते हैं बेटा। मेरी प्यारी अम्मी, आप बहुत मासूम हैं, कुछ नहीं जानती आप। चलें, आप बैठें और उरूज आपको आज कड़क चाय पिलाएगी। अच्छा ठीक है, जाओ बना के लाओ। पहले बैठें। अच्छा भाई बैठ जाते, अच्छी सी चाय बना के लाना। लेके आती हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर, उसे बहुत अच्छा घर मिले जहां इसकी कदर हो।